कहाँ जा रहे हो भाई? हेलो दोस्तों, तो भाई हमारी जर्नी है आज की मैनपुरी के लिए, तो हमने हमने सामान वामान पैक कर लिया है, तो हम चलते हैं। चलिए ले। A few moments later. So, hello दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यूदर ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और एक और नई शुरुआत से, तो मैं आज आपको बता दूं, आज है पांचवा दिन, आज बहुआ की हो गए छुट्टी, मतलब डिस्चार्ज होने वाला है आज हॉस्पिटल से। तो अभी तो हमारी मॉर्निंग हुई है, वैसे उठ तो जल्दी गया था, खैर ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया। तो 10 बज चुके हैं, ये देखिए, करेक्ट 10 बज चुके हैं। और हमारा सोनू भाई, तो ये देखिए सोनू भाई, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, है ना? हाँ, तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, बैग मैंने अपने कपड़े सारे रख लिए हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, बउआ के कपड़े रखे हुए हैं, इसमें मम्मी के हैं, इसमें बरसा भाभी के हैं, और इसमें बहुत सारे बिस्किट रखे हुए हैं, ये देखिए। तो ये भी हम बिस्किट नमकीन भी लेके जाएंगे मैनपुरी के लिए। तो अभी हमारा सीन ये है, थोड़ा अभी दूध दूध गर्म करके थोड़ा एक एक गिलास हम लोग पी लें, उसके बाद फिर आराम से कुछ खा पी के हल्का फुल्का, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से हॉस्पिटल के लिए। बाकी का क्या सीन रहेगा वो आगे का देखते रहना, ब्लॉग में बने रहना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर। देख रहे हो भाई तुम, क्या देख रहे हो अलमारी में? सॉक्स देख रहा हूँ अपने, सॉक्स मिल नहीं रहे, एक दिन ही देर हो गई मुझे, सब पूरा गोदरेज में सब कुछ भरा हुआ है, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, तुमने ही तो भरा होगा ही उल्टा सीधा, सब मम्मी और बउआ के काम है, तो उन्हीं लोगों को बुला लो तुम, फोन करके पूछ। सो हेलो दोस्तों, तो भाई हमने सारी व्यवस्थाएं पैक कर ली, पूरी गाड़ी हमें सारा सामान पहुंचा दिया, अब मेरा बैग रह गया, ये टिफिन है, पापा जी को देना है, और बाकी की सारी व्यवस्था हो चुकी है, तो बस अब निकलने की तैयारी चल रही है पूरी। सो हेलो दोस्तों, तो भाई हम निकल रहे हैं, और सोनू भाई हमारा बैठा हुआ है, गाड़ी लेके चलेगा अब, ये पहली गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, पीछे नहीं करते हैं, याद रखना ये चीज। सो हेलो दोस्तों, तो भाई अब हम आ चुके हैं पापा के डिपो पर, और यहाँ पे पापा को खाना देना है, उसके बाद सीधे निकलना हॉस्पिटल के लिए, फिर मिलते हैं, पहले पापा को टिफिन देते हैं। सो हेलो दोस्तों, सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पापा के डिब्बो में, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं, ये पार्ले, यहाँ से बिस्कुट जाता है, सप्लाई होता है आगरा से ऑल इंडिया के लिए, तो है ना। तो ये देखिए सामने कार्टून भी दिख रहे होंगे आपको इस तरीके से, तो ये है हमारे पापा का ऑफिस, सामने ऊपर बैठते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो भाई हमारे पापा जी आ चुके हैं, ये देखिए, और सोनू भाई दे रहा टिफिन, ठीक है पापा है। आपने ये वाले सिलेंडर देखे होंगे ज्यादातर घरों में, और आपने ये वाले नहीं देखे होंगे, इतने बड़े सिलेंडर कहीं देखे हैं आपने? ये देखिए किस तरीके, बड़े से छोटा, फिर उससे छोटा ये आ गया, समझो, है ना, सबसे बड़ा, मतलब 6 महीने आराम से काट देंगे, 2 फैमिली हो तो भाई साल भर आराम से कट जाएगी इससे। सो हेलो दोस्तों, तो भाई अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को सजवाने के लिए, क्योंकि अब हमारे बउआ बैठेगा गाड़ी में और उसकी अम्मा, तो भाई कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए, कुछ नया, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे कहाँ के लिए, वो मैं बैठने के बाद सब लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद बताएंगे, अभी तो खैर रुके हुए हैं हम लोग। लोग आए हैं अभी डीजल डलवाने के लिए गाड़ी में, क्योंकि बउआ बैठ जाएगा फिर नहीं डलवाएंगे, इससे पहले हम अभी कंप्लीट करा लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं गाड़ी को डेकोरेट कराने के लिए, मनीष फ्लोवर वाले भैया के यहाँ, तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं। हेलो दोस्तों, तो भाई भैया तैयारी कर रहे हैं, बुगे को अच्छे से सजा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से सज रही गाड़ी। सो हेलो दोस्तों, सो फाइनली हमारी गाड़ी पूरी हो चुकी है सच के तैयार, ये देखिए बाकी के गुलाब के फूल लग रहे हैं, बाकी का तो ये लोकेशन है, दिखा दे रहा हूँ एक बार आपको।
सो हेलो दोस्तों, तो भाई एक बार मैं लोकेशन बता दे रहा हूँ यहाँ पे, और कौन सी जगह क्या नाम है, तो एक बार आप भी समझ लीजिए ठीक है भैया। एक बार लोकेशन बता देना, रामबाग। रामबाग पे किस जगह? रामबाग चौराहा, हनुमान मंदिर, आगरा। आगरा, आगरा में ठीक है। तो भाई बाकी का हम नंबर डाल देंगे, भैया का हमने बोर्ड देख लिया, उस पर नंबर लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जैसा कि जिस किसी को आगरा से लेके कांटेक्ट करना हो तो भैया को कर लेना एक बार, है ना। तो चलते हैं भाई, जो हमारे पान वाले भैया बहुत अच्छे हैं, मतलब मज़ा आ गया पान खा के। थैंक यू। तो फिर भाई हमारा पूरी तैयारी हो चुकी है निकलने की, अब गाड़ी हमारी सज चुकी है, दुल्हन बन गई है, हमारा बउआ बैठेगा इसमें राम बन के। सो हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल में, तो हमारा बउआ इंतजार कर रहा है काफी देर से, तो चलिए ऊपर चलते हैं भाई। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। और क्या हो रहा है? और बउआ क्या कर रहे हो? ज़्यादा नौटंकीबाजी नहीं मम्मी। सो दोस्तों, तो भाई हमारा बउआ आप चलने की तैयारी कर रहा है, इसका डिस्चार्ज हो चुका है, तो आ जाइए आप, आपका वेलकम है मैनपुरी के लिए। और हमारी दीदी आ चुकी हैं उतारने के लिए, आराम से बउआ। सभी लोग बैठे हुए हैं, हैं? रुक के कहा, मतलब कुछ कहाँ जा रहे हो भाई? हेलो दोस्तों, तो भाई हमारी जर्नी है आज की मैनपुरी के लिए, तो हमने अपने सामान वामान पैक कर लिया है, तो हम चलते हैं। चलिए लेके चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो भाई हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, बाकी का सारा सामान हम लोगों ने गाड़ी में डाल दिया है ठीक है, बाकी कुछ नहीं बचा है। मम्मी भी हैं, रेडी हो रही हैं, भाभी भी रेडी हो गई हैं, बउआ भी रेडी हो गया है। भीड़ भाड़ ज़्यादा है अंदर हॉस्पिटल में, तो फिर आप चलने की तैयारी यही है कि अब कुछ नहीं बचा है, तो अब सीधे निकलते हैं नीचे के लिए रवाना, है ना। सो हेलो दोस्तों, तो भाई आंटी जी हम चलते हैं ठीक है। राम राम सभी लोगों को। ठीक है दीदी, ठीक है भैया, बाय बाय सर। ठीक है दीदी, बाय बाय। तो फिर चलते हैं, अब हमारा यहाँ से रवाना हो चुका है, और एक हमारी दीदी और हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेलो दीदी, फिर चल रहे हैं हम लोग। दीदी आपका चैनल का नाम एक बार बता दीजिए, तो ऑडियंस देख लेंगे हमारे। ऑफिशियल सोनिया के नाम से है ठीक है। ओके बाय बाय सभी लोगों। ठीक, तो फिर चल रहे हैं नीचे, तो गाड़ी हम लगाते हैं बाहर फटाफट। तुम गाड़ी चाबी दो सोनू, गाड़ी चाबी। क्या हो दीदी? नहीं भैया, हमारी ससुराल से तो कोई नहीं आया, बुलाया तो सबको था। गाड़ी सजवा के लेके आए हो तुम अपनी पत्नी के लिए, ये देख लो। और क्या, ये तो गांव वाली भी निकल गया। तो हमारा बउआ आ चुका है, ये देखिए। इधर से घूम के आ जाएं, आगे बैठे, आगे जाएं। आगे बैठेंगे जी, आगे आसानी रहती है बैठने में, लेटने में। तो टिक्की में सामान आया था। अब एक काम करो दीदी, चलते हैं फिर हम लोग, है ना। आप लोगों ने बहुत हेल्प करी है, हमें बहुत अच्छा लगा। चलो चलो भाई चलो, बउआ की अम्मा भी बैठ चुकी है, बउआ भी बैठ चुका है, बैठो अब सब लोग, क्या दिक्कत है। ठीक है दीदी, ये हॉस्पिटल है भाई, हमें बहुत अच्छा लगा इस हॉस्पिटल में, पता नहीं चला घर की तरह है। सो हेलो दोस्तों, तो भाई अभी हमें जाना है दवाई लेने के लिए, कुछ मेडिसिन रह गई थी बउआ की, तो वो वहाँ चलते हैं मेडिकल पे, भैया कृष्णा कन्हैया मेडिकल पे।
चुके हैं भैया कन्हैया मेडिकल स्टोर पे। हमारे ये भी बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं हर तरीके से। नमस्कार सर जी। आगे वाला। तो दोस्तों, तो भाई बहुआ की मेडिसिन ले ली है मैंने हाल, और अब चलते हैं सीधे गाड़ी में। भाई हमें मिल चुका था। हेलो, और कहाँ जा रहे हो जो बताओ? दुकान पे यार। चलो बढ़िया है ना, ठीक है चलते हैं फिर। ये लोग पता नहीं क्या धरा उठाई कर रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, तो भाई हम लोग निकल चुके हैं। बोलो जय श्री राम। मजा आ रहा है? हाँ। भैया तुम्हें मजा ही आना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने टूडला से आगे फिरोजाबाद वाले टोल पर। भाई हम लोग आ चुके हैं भैया जी की दुकान पर। प्रशांत भाई कह रहे हैं, अरे यार आपकी वो आपने जो बात बोली थी बहुत अच्छी बात बोली थी, बहुत अच्छी बोली थी भाई। हाँ। यार तो भाई लोग खड़े हुए हैं, छोटू भाई मिल चुके हैं भाई। तो भैया जी वो दुकान है भैया की। अंशी बहन ये धीरे धीरे सामान ले जाना सब लोग। कौन आया कोई? लेकिन यार टिर्री कैसे निकाले यार? शाम चल चलो आप ठीक है करें। अब रख दे, ऐसे रख दे, आप खोल के देखो। चलो
दोनों हाथ चिपका दे, दोनों पांव चिपका दे, चल भैया ऐसी दबा ले, निकल आ जा, चलो 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 धीरे चल, इसे तो पकड़ो, इसे भी पकड़, रुको अब वो पकड़े दे दो, अरे ना ला रे जी, बोल ले जा, ला बोल ले अंदर, अंदर ले जा, अंदर ले जा, हां चलो हम निकल यहां, ओ तुम तो आए रहे बनाने के लिए, बगैर हटो हटो तो गई दियो, मैंने देखो मार, बलून फोड़ो, भाभी आपसे मना किया गया था तकिया नहीं रखना, फिर आपने क्यों रख दी? रख दिया इसलिए बच्चों ने रख दिया, हमने अच्छा बच्चों ने रख दिया, बच्चा बैठ गया। बड़े भाई आ चुके हैं, अब ये बन चुके हैं ताऊ जी, तो कैसी खुशी हो रही है तुमको? बहुत अच्छी हो रही है मुझे, बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा अच्छा देख लिया लल्ला को कि नहीं? बिल्कुल देख लिया। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे, ठाकुर साहब भी बैठे हुए, बताओ बाबा बुला ले बच्चों पकड़ लेता हूँ, खाने को मांगते, कह दो घर पे जाओ पी के आए हो तुम दारू शुद्ध में, आना आराम से बात करेंगे तुमसे। मेरे पापा 500 साल हो गए दारू पीते हैं। अच्छा अरे यार। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं तो फरकाबाद से आ गई हैं हमारी मम्मी जी सासू माँ और हमारी भाभी जी और हमारी शाली साहिबा, ये देखिए मामा जी आ चुके हैं, मामा जी नमस्ते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे अंदर बैठेंगे सर्दी देख रहे हैं, चलो भाई नानी जी आ गई, लल्ला की मौसी आ गई, अरे भाई गोलू भैया आ चुके हमारे, ये तो गुड़ की बिलिया ले आए बहुत सारी। तो भाई हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए, खाने में क्या क्या बना है भाई? ये देखिए बेसन बना है और चावल हैं, रोटियां हैं, संजय भाई हमारे खा रहे हैं, ये भी जाएंगे ड्यूटी अपने हॉस्पिटल। हेलो दोस्तों, तो भाई मैं आ चुका हूँ मैनपुरी में, जैसा कि आपने ये ब्लॉग देखा होगा, और भाई ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मेरे बेटे को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। अब मेरा बेटा आ गया है तो बहुत खुशी मिलती है, अब वो भी ब्लॉग में आया करेगा, नई खुशी नई चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, आप नई नई चीज़ें, तो भाई ऐसी सपोर्ट करते रहो भाई को और नए नए ब्लॉग देखते रहो। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राम।